एडू प्राइड पर आपका स्वागत है। मैं गौरव एडू प्राइड पर आज आपके लिए एक नई वीडियो लेकर हाजिर हूँ। आज हम बच्चे जो बात करेंगे वो हम बात करेंगे बच्चे ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम की। किसकी बात हम करेंगे? ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम। तो अगर मैं बच्चे बात करूं ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम की, इसे हम कहते हैं मानव कंकाल तंत्र। तो आज हम मानव कंकाल तंत्र की बात करेंगे, लेकिन कंकाल तंत्र की बात करने से पहले आज मैं आपको कुछ स्पेशलाइज स्ट्रक्चर्स को पहले अवगत कराता हूं। तो जो कंकाल तंत्र है ये आपस में डिवाइडेड है, ठीक है। जैसे कुछ हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, जिससे हमारा कंकाल तंत्र मिलकर बनता है। कनेक्टिव टिश्यू को बोलते हैं संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक वो होते हैं जो एक पार्ट को दूसरे पार्ट से जोड़ने का कार्य करते हैं। तो जो संयोजी ऊतक होते हैं बच्चे, ये बेसिकली पांच प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं इस बात को हम देखते हैं। तो एक जो संयोजी ऊतक होता है वो ब्लड, ठीक है, ब्लड एक संयोजी ऊतक है, रक्त, जो एक भाग को दूसरे भाग से जोड़ने का कार्य करता है, ठीक है। इसके बाद जो हमारे पास संयोजी ऊतक आता है उसे हम कहते हैं बोन, बोन अस्थि, ठीक है। अस्थि का भी काम क्या है? एक भाग को दूसरे भाग से जोड़ना। और जो तीसरी बात है वो है कार्टिलेजिस की, कार्टिलेज। कार्टिलेज जो होते हैं उन्हें हम बच्चे कहते हैं उपास्थि, उपास्थि, ठीक है। तो कार्टिलेज क्या होते हैं इस बारे में हम चर्चा करेंगे आज। और एक होता है टेंडन और एक होता है बच्चे लिगामेंट। एक क्या होता है? लिगामेंट होता है, लिगामेंट, ठीक है। तो दीज आर द कनेक्टिव टिश्यू विच, दीज आर द कनेक्टिव टिश्यू ब्लड बोन कार्टिलेज टेंडन एंड लिगामेंट, ठीक है। तो ये सारी चीजें मिलकर एक भाग को दूसरे भाग से जोड़ने का कार्य करती हैं। तो इसमें जो ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम की बच्चे बात है वो बात है बोन से, ठीक है। जितनी भी हड्डियां हैं, जितनी भी अस्थियां हैं हमारे शरीर में, वो सारी मिलकर ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम, मानव कंकाल तंत्र का निर्माण करती हैं। तो हम एक एक चीज को समझेंगे और फिर ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम को वेरीफाई करते हैं कि इसका क्या कॉन्सेप्ट है, क्या डेप्थ है और कि कैसे बना हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो बात करने वाले हैं, ब्लड एक अपने आप में एक अलग टॉपिक है, ठीक है। तो स्केलेटन सिस्टम में हम ब्लड की कोई भी बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ उस चीजों की बात कर रहे हैं कि जो बोन से रिलेटेड है, जो बोन को जोड़े रखने में मदद कर रही हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे जो फिलहाल बात करने वाले हैं बच्चे, बोन की बात करेंगे। तो हमारा जो कॉन्सेप्ट शुरू होता है स्केलेटन सिस्टम का वो होता है बच्चे बोन से, अस्थि से। तो अगर मैं किसी भी अस्थि की बात करूं, किसी भी अस्थि की अगर हम बच्चे बात करें, तो कोई भी जो अस्थि होती है शरीर में वो किस प्रकार से ऑर्गेनाइज्ड होती है, इस चीज को समझो। ये मान लो बच्चे कोई अस्थि है, कोई भी बोन है, तो किसी भी बोन के ऊपर जो सबसे आउटर या अपर जो कवरिंग होती है, किसी भी बोन के ऊपर जो अपर कवरिंग होती है उसको हम क्या कहते हैं? जैसे ये बोन है और ये मैं दूसरे कलर से इसकी कवरिंग कर रहा हूं, ये आउटर कवरिंग है, और दिस आउटर कवरिंग इज कॉल्ड द पीरियोसेटम। This outer covering is called the periosteum, है ना, जो बोन के ऊपर की आउटर कवरिंग होती है, ठीक है, ऊपर वाला जो मेम्ब्रेन होता है, ठीक है। अब हर बोन के ऊपर, हर बोन के अंदर क्या होता है बच्चे? एक खोखला भाग होता है, एक खोखला भाग होता है, जैसा कि this is the एम्प्टी पार्ट, है ना, एक खोखला भाग है जो कि बोन के अंदर देखने को मिलता है। तो बोन के अंदर, और यहां पर क्या है, यहां पर ये फिल्ड पार्ट है जो कि कैल्शियम और फास्फोरस से मिलकर, ये पार्ट जो होता है बच्चे कैल्शियम और फास्फोरस से मिलकर बना है, ठीक है। तो दिस पार्ट इज मेड बाय द कैल्शियम एंड फास्फोरस, ठीक है ना। तो इनसे ये चीजें जो है वो मिलकर बनी हुई है, ठीक है। तो अब ये जो अंदर का पार्ट है, ये जो बच्चे अंदर का पार्ट है, ये अंदर का पार्ट
अंदर का पार्ट, दिस पार्ट इज कॉल्ड द बोन मैरो, इस भाग को हम क्या कहते हैं, बोन मैरो कहते हैं, या फिर इसको हम अस्थि मज्जा के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो जो ये अस्थि मज्जा है, इसी अस्थि मज्जा में, इसी बोन मैरो के अंदर, इसी बच्चे अस्थि मज्जा में, इसी बच्चे अस्थि मज्जा में, बोन मैरो में, अस्थि मज्जा, इसी अस्थि मज्जा के अंदर हमारी आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का फॉर्मेशन होता है। अगर मैं इसको थोड़ा सा डेप्थ में आपको बताऊं, तो यहां पर जो भाग है, ये वाला जो पार्ट है, दिस पार्ट इज रेड कलर, है ना, तो दिस बोन, दिस पार्ट ऑफ बोन मैरो इज कॉल्ड द रेड बोन मैरो, इसे लाल अस्थि मज्जा कहते हैं, और जो बीच वाला जो भाग होता है, ये वाला भाग, इसे हम येलो बोन मैरो कहते हैं, पीली अस्थि मज्जा कहते हैं। तो जो लाल अस्थि मज्जा है, रेड अस्थि मज्जा है, इसमें फॉर्मेशन होता है आरबीसी का, और जो बच्चे पीली अस्थि मज्जा है, इसमें फॉर्मेशन होता है किसका, डब्ल्यूबीसी का, व्हाइट ब्लड सेल, जिसको ल्यूकोसाइट भी कहते हैं, और आरबीसी को हम एराइथ्रोसाइट्स कहते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूं ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा बोन का। ठीक, तो मैंने आपको बोन के बारे में बताया कि बोन का स्ट्रक्चर कैसे डिवाइडेड है। बोन के ऊपर जो अपर कवरिंग होती है, इसे पीरियोसेटम कहा जाता है, इसको हम पीरियोसेटम कहते हैं, बोन के अपर कवरिंग को हम क्या कहते हैं बच्चे, पीरियोसेटम कहते हैं, और पीरियोसेटम, ठीक है, और इसके अंदर जो खोखला भाग होता है वो बोन मैरो होता है। बोन मैरो बच्चे दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक लाल अस्थि मज्जा और दूसरा पीली अस्थि मज्जा। तो जो लाल अस्थि मज्जा है उसमें आरबीसी का फॉर्मेशन होता है, और जो पीली अस्थि मज्जा है उसमें फॉर्मेशन होता है किसका, डब्ल्यूबीसी का। तो ये हमारी बोन की बात हुई। अब हम बात चलते हैं बच्चे किसकी तरफ, हम चलते हैं सेकेंड कॉन्सेप्ट की तरफ, ये है हमारे सामने कार्टिलेज। तो अगर मैं कार्टिलेज की बात करूं, कार्टिलेज को हिंदी में क्या कहा जाता है, हिंदी में इसको कहते हैं उपास्थि। तो अगर मैं बच्चे उपास्थि की बात करूं, तो कार्टिलेज का कोई भी स्पेशलाइज शेप नहीं है। क्यों नहीं है, बिकॉज कार्टिलेज आर आल्सो कॉल्ड द सॉफ्ट बोन। ठीक है, जो मुलायम हड्डियां होती हैं, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, कार्टिलेज कहते हैं। ये जो कान की आउटर लाइनिंग है, ये कान की जो आउटर लाइनिंग है ना, दीज लाइनिंग आर मेड बाय द कार्टिलेज, है ना, हमारे नोज के अंदर कार्टिलेज है, बोन के बीच में कार्टिलेज है, मसल्स के बीच में कार्टिलेज है ना, जिसकी वजह से इलास्टिक नेचर, है ना, जैसे हम कान को एक खींच सकते हैं ना, इलास्टिक नेचर जो जनरेट हुआ वो किसकी वजह से हुआ, वो कार्टिलेज की वजह से हुआ, उपास्थि की वजह से हुआ। तो इस चीज को हम समझते हैं कि कार्टिलेज के अंदर और भी क्या चीजें होती हैं। तो जो कार्टिलेज, जैसे ये मान लो बच्चे कोई कार्टिलेज है, तो कार्टिलेज का कोई भी स्पेशलाइज स्ट्रक्चर नहीं है। ठीक है, तो कार्टिलेज के ऊपर जो कवरिंग होती है, कार्टिलेज के ऊपर जो कवरिंग होती है, उस कवरिंग को हम क्या कहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये आप एज्यूम करो कि दिस इज द कार्टिलेज, है ना, और इसकी जो अपर कवरिंग है बच्चे, इसके ऊपर जो कवरिंग है, जो लेयर है, इस कवरिंग को हम पीरियोसेटम कहेंगे। ठीक है, तो बच्चे जो कार्टिलेज के ऊपर कवरिंग होती है, इस कवरिंग को हम पेरिकोंड्रियम कहते हैं। इस कवरिंग को हम क्या कहते हैं, पेरिकोंड्रियम, है ना, इस कवरिंग को हम बच्चे क्या कहते हैं, पेरिकोंड्रियम कहते हैं। और कार्टिलेज के अंदर ये छोटे छोटे पैकेट्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये छोटे छोटे पैकेट्स प्रेजेंट होते हैं, इन पैकेट्स को हम लैकुनी कहते हैं, इन पैकेट्स को लैकुनी कहा जाता है। और इन कार्टिलेज के अंदर क्या होती है, बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं, क्योंकि बॉडी का कोई भी पार्ट, है ना, बॉडी का कोई भी जो पार्ट है, कोई भी जो भाग है बच्चे, है ना, वो किससे मिलकर बना है, वो कोशिका से मिलकर बना है। तो इसी प्रकार से कार्टिलेज भी किससे मिलकर बनी है, कोशिका से मिलकर बनी है। ठीक है ना, तो जो कोशिकाएं होती हैं किसकी, कार्टिलेज की, उन्हें हम कहते हैं क्रोंडियोसाइट्स।
ठीक है, द सेल ऑफ कार्टिलेज, ठीक है, उपास्थि की कोशिकाएं क्या कहलाती हैं, क्रोंडियोसाइट कहलाती हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये हमने बात करी किसकी, कार्टिलेज की। तो कार्टिलेज क्या होती है, सॉफ्ट बोन होती है। इसके बाद मैं दो वर्ड पर और चर्चा कर रहा हूं जो काफी इंपॉर्टेंट है। एक वर्ड है हमारे सामने, आपकी स्क्रीन पर एक वर्ड दिख रहा होगा, ये वर्ड है टेंडन। टेंडन क्या होता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, व्हाट इज टेंडन। हिंदी में भी बच्चे इसको टेंडन कहते हैं। तो टेंडन क्या है, टेंडन, टेंडन क्या है बच्चे, टेंडन की अगर हम बात करें, ठीक है, टेंडन एक ऐसा भाग है जो कनेक्ट कर रहा है, किसको कनेक्ट कर रहा है, मांसपेशियों को, किससे, टू द बोन्स, है ना। तो जो हड्डियों को, अस्थियों को मांसपेशियों से जोड़ता है, उस भाग को हम क्या कहते हैं बच्चे, उस भाग को हम टेंडन कहते हैं, ठीक है। और एक दूसरा वर्ड जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, लिगामेंट। तो जो लिगामेंट है बच्चे, जो लिगामेंट है, इस लिगामेंट का क्या काम है, ये जोड़ने का कार्य करता है, कनेक्ट करता है किसको, बोन टू बोन, दो अस्थियों को आपस में जोड़ने का कार्य कौन करता है, लिगामेंट करता है। जैसे ये अंगुली है, तो अंगुली का ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ये आपस में कनेक्ट है एक लिगामेंट से, ये लिगामेंट से कनेक्ट है, ठीक है। ये हमारे चेहरे पे जो मांस है, ठीक है, यहां पर जो मांस है उसके नीचे हड्डी है, और वो हड्डी और मांस आपस में कनेक्टेड है किससे बच्चे, टेंडन से कनेक्ट है। तो ये कुछ वर्ड्स थे जिसके बारे में हमें पता होना जरूरी था, तभी हमें स्केलेटन सिस्टम की डेप्थ का पता लगेगा कि इसमें हमारा क्या कॉन्सेप्ट है, क्या चीजें हमें इसमें पढ़नी है। तो ये चार वर्ड थे जिसके बारे में हमने चर्चा करी। पहला मैंने आपको बोन बताया, अस्थि बताई। तो जो बोन है, बोन की अपर कवरिंग को मैंने पीरियोसेटम कहा, ठीक है। इसमें अस्थि मज्जा होती है जो खोखला भाग होता है, और इसी के अंदर लाल और पीली अस्थि मज्जा के अंदर क्रमशः आपका आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। फिर हमने बात करी बच्चे कार्टिलेज की। कार्टिलेज की अपर कवरिंग को हमने पेरिकोंड्रियम कहा, और पेरिकोंड्रियम के अंदर जो पैकेट्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, दीज पैकेट लाइक स्ट्रक्चर आर कॉल्ड द लैकुनी, है ना, दिस इज कॉल्ड द लैकुनी, एंड सेल्स ऑफ कार्टिलेज आर नॉन एज द क्रोंडियोसाइट, है ना, दिस इज द क्रोंडियोसाइट। तो हमने यहां पे जो बात करी, वो बात करी किसकी, क्रोंडियोसाइट की, ठीक है। इसके बाद जो हम बात कर रहे हैं टेंडन की, ठीक है। तो टेंडन का कार्य क्या होता है, ये कनेक्ट करता है किसको, मसल्स को, मांसपेशियों को, बोन से, और लिगामेंट का कार्य होता है, ये कनेक्ट करता है किसको, इट कनेक्ट्स द बोन टू बोन, है ना, एक अस्थि को दूसरे अस्थि से जोड़ने का कार्य करता है। ओके बच्चे, तो हम बात अब कर रहे हैं ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम की, जो ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम कैसे डिवाइडेड है एक भाग से दूसरे भाग में। तो जो बच्चे ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम होता है, मानव कंकाल तंत्र, ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम, मानव कंकाल तंत्र, ये डिवाइडेड है दो भाग में। जो मानव का कंकाल तंत्र है, ये डिवाइडेड है बच्चे दो पार्ट में, दो भाग में। तो मानव कंकाल तंत्र डिवाइडेड है दो पार्ट में, एक है एक्सियल स्केलेटन सिस्टम, और दूसरा जो है बच्चे वो है अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम, है ना। तो एक्सियल स्केलेटन सिस्टम जो है, एक्सियल का मतलब क्या है कि जो हमारे शरीर का अक्ष बनाता है, एक्सिस बनाता है। देखो भाई, हमने दो एक्सिस पढ़े, एक एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, है ना। तो कुछ जीव ऐसे रेंगते हुए चलते हैं और कुछ जीव ऐसे चलते हैं, इस टाइप से बच्चे चलते हैं, ठीक है। तो हमारा जो एक्सिस है वो कौन सा है, वाई एक्सिस। तो जो बोन इस एक्सिस पर, इस पर लाई करेंगी, उसे हम क्या कहेंगे, एक्सियल स्केलेटन सिस्टम का पार्ट मानेंगे, या फिर इसको हम कहेंगे बच्चे एक्सियल अक्षीय कंकाल तंत्र। इसको हम क्या कहेंगे, एक्सियल स्केलेटन सिस्टम को अक्षीय कंकाल तंत्र, अक्षीय कंकाल तंत्र, ठीक है। और जो दूसरा भाग है अपेंडिकुलर, है ना, इसे हम कहेंगे उपांगीय कंकाल तंत्र, उपांगीय, उपांगीय कंकाल तंत्र, ठीक है। तो जो एक्सियल स्केलेटन सिस्टम है, इसके अंदर कौन कौन से पार्ट हैं जो हमें पढ़ने हैं बच्चे, इसमें जो सबसे पहला पार्ट है वो हमारा
खोपड़ी है, दिस इज द खोपड़ी, ये पूरा खोपड़ी होता है, स्कल वाला पार्ट है, ठीक है। इसी स्कल के अंदर हम सारी चीजें पढ़ने वाले हैं, खोपड़ी। इसके बाद हमारे पास क्या चीज है, हमारे पास है भाई वर्टिब्रल कॉलम है, जिसे हम बैकबोन भी कह सकते हैं, वर्टिब्रल कॉलम। इसे हिंदी में क्या कहेंगे, मेरुदंड कहेंगे, हिंदी में इसे मेरुदंड कहेंगे। इसके बाद जो हमारे पास पार्ट है, इसके पास हमारे पास जो पार्ट है बच्चे, वो है रिब्स, पसलियां, ठीक है। और इसके बाद जो हमारे पास पार्ट है वो है स्टर्नम, स्टर्नम, इसको स्टर्नम ही कहा जाता है। स्टर्नम कहां होता है, इस चीज को समझो भाई, इसे पसलियां कहते हैं, ठीक है। स्टर्नम दोनों फेफड़ों के बीच की जो हड्डी है, ये बीच की हड्डी, दिस बोन इज कॉल्ड द स्टर्नम, ठीक है। तो हम ये बात कर रहे हैं अब उपांगीय कंकाल तंत्र में, उपांगीय कंकाल तंत्र की अगर हम बच्चे बात करें तो उपांगीय कंकाल तंत्र में कौन से पार्ट आते हैं, जो साइड में है, जो एक्सिस के साइड में, जैसे हाथ हो गए और पैर हो गया। तो उपांगीय कंकाल तंत्र में जो हड्डियां आती हैं वो आती है फोर लिम्स। फोर लिम्स वर्ड यूज होता है किसके लिए, हाथों के लिए, हैंड्स के लिए। इसे हम अग्रपाद भी कहते हैं, हिंदी में कहते हैं अग्रपाद, फोर लिम्स को अग्रपाद या हाथ बोल सकते हो आप। और एक होता है पैरों के लिए जो वर्ड यूज होता है, उसे हम बच्चे कहते हैं हिंड लिम्स, या फिर इसे पश्चपाद भी कहते हैं, पश्चपाद, ठीक है। और जो हाथों को किससे, एक्सियल स्केलेटन सिस्टम से कनेक्ट कर रहा है, जैसे एक ये शोल्डर बोन है, एक यहां पर बोन होती है, दिस बोन इज नोन एज द ग्रिडल्स, इनको हम क्या कहते हैं बच्चे, ग्रिडल्स कहते हैं, या फिर मेखलाएं कहते हैं, मेखलाएं, ठीक है, इनको ग्रिडल्स या फिर क्या कहा जाता है बच्चे, मेखलाएं कहा जाता है। तो इस तरीके से हमारा जो कंकाल तंत्र है वो डिवाइडेड है अलग अलग पार्ट में। तो अगर मैं एक्सियल की बात करूं, अक्षीय कंकाल तंत्र की बात करूं, तो कंकाल तंत्र में जो पूरा ह्यूमन सिस्टम है, ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम, इसमें टोटल 206 बोन्स हैं, 206 हड्डियां हैं। और इसके अलावा जो एक्सियल स्केलेटन सिस्टम है, इसमें 80 बोन्स है, और बाकी जो बची 126 बोन्स आर प्रेजेंट इनटू द अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम, ठीक है। तो ये ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम का एक ओवरव्यू, ठीक है, जो चीज हमें समझनी थी वो मैंने आपको ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम का एक ओवरव्यू दिया, ठीक है। आप इस चीज का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, कि ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम में कौन कौन सी बोन है और ये कैसे कैसे बच्चे डिवाइडेड हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मैं पार्ट टू लेकर आऊंगा और उसमें एक्सियल और अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम की डेप्थ को समझेंगे और वहां पे ये समझेंगे कि एक्सियल स्केलेटन सिस्टम में कौन कौन सी हड्डियां होती हैं और किस भाग में कितनी हड्डियां हैं, और अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम में उपांगीय कंकाल तंत्र में समझेंगे कि वहां पे क्या क्या हड्डियां हैं और कैसे कैसे वो अरेंज हैं, ठीक है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में बच्चे मिलते हैं, तब तक के लिए राम राम, नमस्कार। और इस वीडियो को जितना आप फैला सकते हैं, जितना लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं करिए, और हमारे एडुप्राइड का ऐप भी आ गया है तो उस ऐप को डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड करके वहां से अपनी यूजफुल इंफॉर्मेशन को, वीडियोस को जल्दी से जल्दी देखिए। और तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।